लेकिन सरप्राइज दे रही हूँ कि आपको मैं सूजी इनकी अब बना रही हूँ, तो सूजी बना के देखते हैं कि उनका क्या फेस एक्सप्रेशन आते हैं। इंस्टेंट चिकन की, इंस्टेंट चिकन किस तरह बनता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ी थोड़ी बताती रहती हूँ कि इंस्टेंट हम क्या चीजें बनाते हैं। सुबह मैंने हलवा बनाया था, अब इंस्टेंट चिकन बन रहा है। ये देखें, इंस्टेंट चिकन है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तो आप मेरी वीडियोस को देखें, आगे शेयर करें दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को, ताकि मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो। सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे। मैं हमारे खालिद ऑफिशियल अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। सुबह का वक्त है और अब मैं सूजी बना रही हूँ। नाश्ता बनाने उठे आज देर हो गई है नाश्ते में, आज तो नाश्ता बना रही हूँ। जहांगीर की फरमाइश थी सूजी बनाओ, तो मैंने कहा उनको कुछ सरप्राइज दूं, तो अब सूजी बना रही हूँ। उनको नहीं पता, उनको मैंने कहा है कि अंडे बना रही, क्योंकि मेरा प्लान था अंडे बनाने का। अंडे उठा के भी मैं लाई, अंडे उठा के लाई थी, रखे गए मैंने, वैसे यहाँ रखे थे, मेरी सूजी भी जल जाएगी। तो अब है ना, मैं सूजी पका के फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि सूजी को बड़ा हमने वर्क करना था। हाँ, ये देखें वो अंडे, अंडे आ गए ना नजर, अंडे उठा के लाई थी कि मैं अंडे बना के देती हूँ आपको, कल आपको सूजी बना दूंगी। लेकिन सरप्राइज दे रही हूँ कि आपको मैं सूजी इनकी अब बना रही हूँ, तो सूजी बना के देखते हैं कि उनका क्या फेस एक्सप्रेशन आते हैं। अब है इसमें मैंने सूजी की भी मैंने कहा थोड़ी रेसिपी बता दूं। मुझे सिखाया गया था कि एक कप सूजी, उसमें दो कप चीनी और चार कप पानी, और उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल लें आप, और गरी जो भी चीजें डालनी है। इस तरह पहले मैंने, और मेरी खाला ने मुझे एक तरीका बताया था कि एक कप सूजी है ना, उसमें से थोड़ी सी सूजी आप पानी में डाल दें और बाकी की भुनाई कर लें। जैसे भुनाई हुई पानी वाली सूजी मैंने इसमें डाली, और ये एक कप था, फिर इसमें मैंने दो कप चीनी डाली, लेकिन दो कप नहीं, मैंने डेढ़ कप डाली, क्योंकि तेज हो जाती है, हमें कम मीठा पसंद है, इसलिए दो कप से मैंने डेढ़ कप कर दी चीनी और चार कप पानी डाला। आप देखें इसमें जर्दे का रंग हर चीज आ चुकी हूँ, और गरी नहीं डाल रही मैं, अब मुझे ढूंढ के डालनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं डाल ही नहीं रही। और छोटी इलायची भी डाल सकते हैं जो डालना चाहें, और इसलिए जैसे बन जाएगा है तो फिर हम मैं रोटी बनाऊंगी, रोटी बना के जंगे के पास जाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू जी व्यूवर्स। अब मैं अंडा पराठा लेकर आ गई हूँ जहांगीर के लिए, हम नाश्ता करने लगे हैं। और जहांगीर आप नाश्ता करें ना, बैठे क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पहले मैं बात तो कर दूं, मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया था, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, गुड मॉर्निंग, जैसे कि मॉर्निंग वॉक होती है ना, इस तरह व्यूवर्स के साथ हमारा मॉर्निंग एक समझ गया कि एक व्लॉग कह लें, शो कह लें। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिट फाट हूँ आज। तो आप नाश्ता करें, आप नाश्ता जल्दी करें ना, ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं, क्या बनाया है? अंडा रोटी। अंडा कौन चाहिए? हाफ फ्राई बनाया, आपने कहा था हाफ फ्राई बना दो। आज तो पराठे भी बड़े जबरदस्त बनाए हैं तुमने, तो गरम गरम है ना। बिस्मिल्लाह, तुम भी करो ना। मैं करती हूँ, वो सेटिंग कर दूँ। ये अंडा है? हाँ अंडा है। ये क्या अंडा है, हैंड के बनाया है? चक के बताया ना अंडा आज कैसे बना, का कुछ डिफरेंट अंदाज में आज अंडा आपको सरप्राइज दे दूँ। हाँ ये तो हलवा है। हलवा है कैसे? कैसे ये हलवा है, मुझे ये पता नहीं लगा। ये देखो, नहीं नहीं अंडा है, खा के देखे ना, खा के देखे, अंडा है, अंडे वाला हलवा है, खा के देखे ना। अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हलवा है। असल में आपके पास बनाया अभी बनाया, आप मुझे कह रहे थे कि हलवा बनाओ, मैंने कहा नहीं बनाती, फिर मैं किचन में गई हूँ, मैंने कहा आप हलवा बना लो, आपका दिल कर रहा हो मैं ना बनाऊं। बहुत बस औरत को शार्प बनना पड़ता है। का है अंडा है और है हलवा, इसने मुझे सरप्राइज दिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। असल में है ना, ये मुझे कह रहे थे कि आज हलवा बना लो, मैंने कहा आज मैं नहीं बनाती, मैं है ना फिर बना दूंगी, तो फिर किचन में गई हूँ ना, मेरा दिल वो हो गया कि ना नहीं मैं इनको हलवा बना देती हूँ, तो आज मैंने हलवा बना के दिया। आपको जरा शौक लग रहा होगा, इसमें जर्दे का रंग थोड़ा ज्यादा डल गया, जरा कम डालते हैं, लेकिन जिस तरह डाल लो कोई मसला नहीं है। हलवा हाँ, चलें अब हम नाश्ता करते हैं। अगर आपको नाश्ता करना है तो आप आ जाएं, आपको भी नाश्ता करवाते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं?
हलवे को सूजी हाँ। गंदुम सूजी नहीं, को क्या सूजी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सूजी को क्या पता नहीं। मीवर्स आप भी सोचें, हम भी सोच के फिर आगे बताते हैं। अगर हमें कमेंट करें कि सूजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हम सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि इस चीज की इंग्लिश क्या होगी। वीवर्स अब दोपहर हो गई है और मैंने अब कपड़े वगैरह वॉश किए हैं। ये देखें जहांगीर यहाँ बैठे हैं और खाना ये बन गया। खाना बन रहा है, मैं खाने का आपको बताती हूँ अभी। अभी मैं इधर कपड़े अभी धोए हैं मैंने, ये देखें कपड़े मैंने अंदर ही सूखने डाले क्योंकि मौसम का नहीं पता होता। और है ना बाहर है ना ये जो धूप और ये इसकी तेज रोशनी होती है ना मुझे थोड़ा तंग करती है, मुझे परेशानी होती है देखने में। सिर्फ इधर मैंने है ना एक चादर ही डाली है, ये देखें एक चादर डाली है, बाकी कुछ नहीं डाला मैंने। और यहाँ पर मैंने कपड़े सूखने डाले हैं स्पिन करके, स्पिनर मैंने अंदर ही रख लिया था, मोटर का बटन खराब हो रहा था तो मैंने स्पिनर इधर ही रख लिया और मशीन बाहर रखी और इस स्विच पे मैंने इसको लगा दिया। ये स्विच है यहाँ पे, ये स्पिनर लगा के मैंने स्पिन किया और अंदर डाल लिए। ये देखें अंदर मेरे अब कपड़े सूख रहे हैं हम दोनों के, और बेडशीट्स हैं कुछ। तो अब देखते हैं, अब है जहांगीर है, अब कपड़े धो लिए हैं, थोड़ी देर हो गई है खाने में, तो जहांगीर है वेट कर रहे हैं कि खाना बनाओ खाना बनाओ। तो ये देखें जी वीवर काफी भूख लगी हुई है, अभी तक खाना नहीं पका, कितनी देर है खाना पकने में? बस खाना बन रहा है, स्पेशल बन रहा है अब इंस्टेंट। अम्मी ने एक रेसिपी बताई हुई है इंस्टेंट चिकन की। इंस्टेंट चिकन किस तरह बनता है क्योंकि मैं आपको थोड़ी थोड़ी बताती रहती हूँ कि इंस्टेंट हम क्या चीजें बनाते हैं। सुबह मैंने हलवा बनाया था, अब इंस्टेंट चिकन बन रहा है। ये देखें इंस्टेंट चिकन है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, सूखा धनिया और चिकन और टमाटर ये चीजें डाली हैं और थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मैंने रख दिया है। इसमें थोड़ी सी कलेजी भी पड़ी थी वो भी मैंने डाल दी। बस इसको ऑयल डालें और थोड़ा सा पानी, टमाटर, नमक, मिर्च, सूखा धनिया और थोड़ी सी हल्दी और भी कुछ मसाले गरम डालना चाहें तो वो डालें और इसको रख दें 10 मिनट तक। ये पक जाता है और पकने के बाद इसमें धनिया, मिर्च और गरम मसाला वो डाल दे, बेहतरीन आपकी चिकन कढ़ाई बन जाती है 10 मिनट के अंदर ही। इंस्टेंट कढ़ाई है क्योंकि आज मैंने कपड़े धोए तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं है ना कुकिंग एक बड़ी कुकिंग कर सकती। इससे लहसुन प्याज टमाटर पहले गला के फिर चिकन भुनाई करके और उसके बाद उसमें दाल डाल लो, शोरबा बना लो या कोई सब्जी डालो, इतना मेरे पास टाइम नहीं था। और मुझे अब शदीद भूख लगी थी, मैं सोच रही थी कि बाहर आर्डर दे दें लेकिन इतने पैसे नहीं थे क्योंकि थोड़े से आर्डर नहीं आता घर में, ज्यादा बड़ा आर्डर आता है तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा 100-150 में तो कोई चीज नहीं आएगी ना, वो कहते हैं 1000 से कम ऑर्डर ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जहांगीर ने प्रॉमिस किया कि हम जब बाहर निकलेंगे तो कोई मजेदार चीज खा लेंगे। तो अब है ना ये चिकन कढ़ाई ऐसे तैयार होने को, इसकी बुनाई शुनाई करती हूँ, इसमें मिर्चा डालती हूँ, धनिया शायद है कि नहीं, तो उसके बाद रोटी वगैरह बना के फिर आपके सामने आते हैं। तो अगर आपने कढ़ाई खानी है तो आप आ सकते हैं और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप घर में जरूर ट्राई करिएगा। जरूर जो भाई होते हैं ना, कभी बहने घर अम्मी घर नहीं होती तो भाइयों के लिए बहुत अच्छी है ये कि ना टमाटर उठाए उसको कढ़ाई में डाला और चिकन पड़ी होती है घर में, हर पैकेट माओ ने बनाए होते हैं बहनों ने, चिकन को धो के अंदर डाल दो और ऑयल, नमक, मिर्च और सूखा धनिया, हल्दी, अगर सूखा धनिया नहीं है हल्दी भी है, नमक मिर्च तो हर घर में होता है वो डाल दो और धनिया मिर्च नहीं है तो बाद में सब सब्ज मिर्च तो होती है फ्रिज में पड़ी हुई, बुनाई करके वो डाल दीजिएगा, ऑयल डाल के थोड़ा सा पानी डाल के और बुनाई करेंगे, आपका बेहतरीन कढ़ाई बन जाएगी। अगर भाई लोग हैं तो बाहर से तंदूर से रोटी मंगा लें, बहन है तो घर में रोटी पका के खा लें, तो है ना इंस्टेंट कढ़ाई। तो अगर आपको मेरी इंस्टेंट कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब और शेयर और लाइक भी कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कढ़ाई आपका आइडिया आपको कैसा लगा है और मेरी अम्मी को दुआएं भी दीजिएगा क्योंकि मेरी अम्मी ने ये मुझे बताया हुआ है। तो आगे आपसे मिलते हैं ये कढ़ाई बनाने के बाद और खाना खाने के साथ। जी वीवर्स अब मैं खाना बना के आ गई हूँ, इंस्टेंट चिकन बन चुका है और जहांगीर और मैं खाना खाने लगे हैं।
इस डिश का नाम भी इंस्टेंट है या इस डिश का नाम है इंस्टेंट अम्मी डिश? नहीं, ये रेसिपी है। रेसिपी है, इंस्टेंट है ना, चिकन जल्दी बन जाता है, बस जल्दी जल्दी बनाओ, कढ़ाई की तरह खा लो। ये देखो जहांगीर को मैंने डाल दिया है, गर्मा गर्म रोटी है, साथ पानी, आपको पता पानी लाजमी जरूर रखना चाहिए साथ। जहांगीर को नहीं डाला, चिकन को डाला है मैंने, और ये चिकन कढ़ाई साथ रखी हुई है ताकि कोई कमी बेशी हो तो हम साथ ले लें, उठ के ना जाना पड़े। तो हम खाना खाते हैं, तो अगर आपने ये खाना खाना है तो आप आए और जरूर खाएं, और आपने जरूर कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लगा है। तो हम खाना खा लेते हैं जी। व्यूअर्स, अब शाम हो गई है, सारा दिन गुजर गया, सारा दिन काम किया और कपड़े वॉश कर, घर के बहुत सारे काम, खाना बना और अपने जरूर अपने बहुत सारे मामलात देखे और पौधों को पानी दिया और गार्ड है उसको चाय शाय देकर, अब रात हो गई, अब सोने का बिल्कुल टाइम है। अब मैंने लाइट चलाई है, अब लाइट मैं बंद करती हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये लाइट बंद कर लूँ मैं, तो देखें लाइट बंद हो गई है, बाकी काफ़ी अंधेरा हो गया, मुझे अंदाज़ा नहीं था इतना अंधेरा हो जाएगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक है, हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, हमारी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ ला सकता है। बिकॉज आई एम हाफ ब्लाइंड और मेरे हस्बैंड फुल ब्लाइंड है, एक धुंधली सी ज़िंदगी में कोशिश है अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ इम्प्रूव कर जाएं। तो आपका वॉच टाइम हमें चाहिए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं है, बहुत कम है। तो आप मेरी वीडियोस को देखें, आगे शेयर करें दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को, ताकि मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आपको मज़ेदार वीडियोस हम दिखाते रहेंगे। तो शब्बा खैर, रात हो चुकी है, अल्लाह हाफिज़। जहांगीर भी सो चुके हैं, तो अब मैं भी सोने जा रही हूँ, तो अल्लाह हाफिज़।